उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है और यहाँ किसी भी तरह की गुंडई सीएम योगी को बर्दाश्त नहीं है। वो ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे उन्हें उपद्रव करने की जरा सी भी ढील मिले, चाहे वो यूपी की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाना ही क्यों ना हो, जो कि बहुत आम बात है, और फिर गाड़ियों के जरिए अपना रुतबा दिखाना भी यूपी में आम सी ही बात है। गाड़ियों के जरिए लोग अपनी शान का प्रदर्शन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। गाड़ियों पर शानदार रंग रोगन करवाएंगे, उसमें मॉड्यूलर नंबर प्लेट लगवाएंगे, बड़े ही स्टाइल से अपनी जाति लिखवाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। लेकिन अब बस, अब यूपी में ऐसा नहीं चलेगा। गाड़ियों की नंबर प्लेट, गाड़ियों के शीशों पर स्टिकर चिपकाकर अलग अलग तरीके से अपनी जात बताने वालों को अब योगी के गुस्से का सामना करना होगा। उत्तर प्रदेश में अब इन जाति सूचक शब्दों को लिखना मतलब आफत को मोल लेना साबित हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया हुआ है कि कार, बाइक और अन्य वाहनों पर ब्राह्मण, जाट, राजपूत, गुर्जर, खान, अंसारी, कुरैशी जैसे जाति सूचक शब्द लिखने वालों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी ने इस बाबत पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है, कहा है ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में नियमित रूप से पेट्रोलिंग कराई जाए। वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर कोई न चलने पाए, इस पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाए। और कहने की जरूरत नहीं है कि सीएम योगी के सख्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है और जाति सूचक स्टिकर लगाकर घूमने वालों का खूब चालान काटा जा रहा है। कन्नौज से एक तस्वीर सामने आई है। उत्कर्ष सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को साझा किया है जिसमें पुलिस अधिकारी हिंदू का स्टिकर हटवा रहे हैं। उत्कर्ष सिंह ने लिखा है, सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में, गाड़ियों पर जाति धर्म सूचक शब्द लिखने वालों का काटा जा रहा चालान। तस्वीरें कन्नौज की हैं। कुछ इसी तरह की और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतलब साफ है, योगी का आदेश एक बार जारी हो गया है तो आप कभी न कभी तो नाप दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपकी भी बाइक, कार, स्कूटी, कहीं पर भी कोई जाति सूचक स्टिकर लगा है तो समय रहते उसे हटा लीजिए। पता चले ऐसा ना हो कि आपको एक स्टिकर लगाने का भारी भरकम खामियाजा भुगतना पड़े। पूरे यूपी में जाति सूचक स्टिकर लगाने वालों पर धड़ल्ले से कार्रवाई हो रही है। इसके पीछे का कारण एक और है। कई बार देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी लोग अपने आप को सत्तारूढ़ दल का करीबी बताने के लिए अपने अपने वाहन पर जाति का नाम लिखवाते हैं। ऐसे में अगर यूपी में किसी गाड़ी पर खान, यादव, क्षत्रिय, पंडित, जाट, गुर्जर जैसा कोई भी जाति सूचक नाम लिखा मिल गया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी काट सकती है और आनाकानी करने पर डंडा भी बजा सकती है। वैसे भी मोटर एक्ट के मुताबिक नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा है तो परिवहन विभाग ऐसे वाहन और वाहन मालिक के खिलाफ जरूरी कार्रवाई कर सकता है। और बस इसी दिशा में काम करते हुए सीएम योगी ने कदम उठा लिया है और ऐसे लोगों के पेच कसने शुरू कर दिए हैं जो जाति के नाम पर रौब झाड़ने की या खुद को सत्तारूढ़ बताने की कोशिश कर भौकाल दिखाते हैं। वहीं इस कदम के पीछे की कहानी आपको बताएं तो दरअसल ये जाति सूचक स्टिकर्स की शिकायत सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई थी। उन्हें स्टिकर्स लगाकर रौब झाड़ने वालों के खिलाफ शिकायती पत्र भेजा गया था। कहा गया था कि इस कल्चर को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। वहीं पीएमओ ने ये शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी। इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए अपर परिवहन आयुक्त ने ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किए और उसके बाद से यूपी में ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं। स्टिकर्स लगाकर घूमने वालों को जरा भी बख्श नहीं रही है योगी की सरकार। वैसे इस कार्रवाई के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।